ब्रिज जो है आसपास के एमपी के जो है वो आते हैं मांडव में, क्योंकि मानसून में वहाँ बहुत अच्छा लगता है, पूरी ग्रीनरी है। क्योंकि मांडव क्या है, पूरा ग्रीनरी से है। सो गाइस, मानसून में बहुत लोग आते हैं मांडव, जो एमपी के आसपास के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ से लोग आते हैं मांडव घूमने के लिए, क्योंकि पूरा ग्रीनरी है और मानसून में बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। और अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स भी जाने लगे हैं वहाँ पर, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना जाऊँ, क्योंकि मानसून है, स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। अभी बारिश चालू हुआ है थोड़ा, हफ्ते से, एक हफ्ते पहले से ही थोड़ा बारिश होना चालू हुआ है रेगुलरली, सुबह शाम में कभी भी हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगेगा आपको देखें, अगर आपको इस बारे में कभी पता नहीं है मांडव के बारे में, तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी वो जगह। कल वो भी है कि वहाँ पर कुछ जो रानी रूपमती रिलेटेड है, किला विला है उनका, बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए। अभी हम लोग चली जाए वहाँ पर, तो मैं जा रहा हूँ उज्जैन से, तो उज्जैन से इंदौर, इंदौर से धार, धार से हम जाएंगे मांडव। और पूरा प्रॉपर रोड है, फोर लेन रोड है। बीच में हम लोग जो उज्जैन से जाते हैं तो इंदौर तब एक टोल आता है, तो टोल तो हमको देना नहीं है। बहुत अच्छा रहेगा आपको जो लो आप। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी और मैं आपको आगे मिलता हूँ। अभी स्टार्ट ही किया जर्नी, में थोड़ा बाइक चला लेता हूँ कैसा क्या है, तो उसके बाद हम लोग मिलते हैं। अगर आप लोग भी उज्जैन ना आए हो तो आप आए, उसका भी बहुत बड़ी जगह है उज्जैन, यहाँ पे भी महाकालेश्वर मंदिर है बहुत बड़ा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं वहाँ से हूँ और बहुत अच्छी जगह है। साथ संडे था, मैंने बोला क्या करें, तो सुनो जबकि ब्लॉग ही बना लेते हैं मांडू का। पास में भी है तो अच्छा वन डे राइड हो जाएगा बाइक का। मौसम भी अच्छा था तो मैंने सोचा चलो अच्छा लंबी राइड का है, एंजॉय करते हुए जाएंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ अच्छा लंबा प्लान करने के लिए, मैं अच्छा जाऊँगा 15 दिन या 20 दिन का ट्रिप करूँगा। बहुत मेरे को तो बहुत मज़ा आता है, मतलब बाइक कार चलाने को बहुत शौक है, बहुत मज़ा आता है चलाने में, इसका भी एक अपना मज़ा है। सो मांडव में आज बहुत भीड़ होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मानसून भी है, संडे भी है, तो क्राउड तो होगा ही वहाँ पर। बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पर, बहुत अच्छी लगेगा। मैं पहले गया हूँ, एक बार गया हूँ, छोटा था जब फैमिली के साथ गया था, पर अब तो बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ, मतलब 10-15 साल के बाद जा रहा हूँ। मेरा एजुकेशन इंदौर का ही है, पर कभी जाना नहीं हुआ मांडव, एक फैमिली के साथ ही गया हूँ। सुना बहुत है मांडव बहुत बहुत अच्छी जगह है, तो और एक्सप्लोर करेंगे आज उस जगह।
गाइस ये देखिए ग्रीनरी, यहाँ पे आपको पूरा जब भी आप पांडव के तरफ जाएंगे ना तो पूरा ऐसा ग्रीनरी देखने को मिलेगा आपको आस पास में। यहाँ पे लोग अभी भी समझते हैं प्लांटेशन का मतलब, तो थोड़ा अभी यहाँ पे आसपास फार्म हाउस भी बहुत मिलेंगे आपको। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने फार्म हाउस भी बना रखे हैं अपने। ये फार्म हाउस का भी आजकल ट्रेंड हो गया है, जो भी होगा बंदा हो फार्म हाउस से फार्म हाउस। हमने सावेर क्रॉस करा है अभी, अब यहाँ से इंदौर रह गया है हाफ एन आवर का रास्ता। आराम आराम से जाएंगे हम लोग, एंजॉय करेंगे राइड को। तो गाइस ये साइड में मेरे व्यू है, तो देखो अब क्या शानदार लग रहा
के भाई देखो कुर्सी ले जा रहे हैं उनका गजा। इनक्रेडिबल इंडिया। एक्चुअली बहुत दिन से प्लान किया हुआ था कि जाएंगे, तो ये बाइक लिया। उसके बाद मैंने 2-3 महीने से बाइक लिया वहाँ पर, घर पर रखा हुआ था, थोड़ा सा बिजी था, तो इसने मतलब 2 या 3 महीने बाद ये प्लान बनाया मेरा। तो मैं चलो मांडा होके आता हूँ, अच्छा एक सिंगल डे राइड हो जाएगा, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। कार बन रहे हैं